नमस्कार, आप देख रहे हैं news.com। मेरे यानी सुमित दलाल के साथ आज हम इस कार्यक्रम में कैसे किसान छोटी छोटी सावधानियां बरत कर अपने फसल का उत्पादन तथा बीमारियों से रोकथाम कर सकेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे इस चैनल पर हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश सांगवान, जिनसे हम किसानों के नर्सरी बनाते समय किस तरह की सावधानियाँ बरतें ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो सके। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, बताइए कि क्या क्या सावधानियाँ बरतें जिससे कि किसान अच्छी नर्सरी में पौधे तैयार कर सकें। सुमित भाई, जैसा कि हम यहाँ पे आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि किसान धान की पौध तैयार करते समय या धान की नर्सरी तैयार करते समय, पनीरी तैयार करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहला और मुख्य कदम किसान भाई को जो अपनाना चाहिए वो ये है कि बीज उपचार सबसे ज़रूरी और पहला कदम है, जो कि दो तीन तरह की बीमारियों से, जो धान में आने वाले समय में जो बीमारियां आती हैं उससे किसान की धान की फसल को बचाता है। तो बीज उपचार हम मुख्य रूप से दो दवाइयों से करते हैं, इसमें एक कार्बेंडाजिम या बेवेस्टिन होती है और दूसरी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होती है। इसका घोल तैयार करने का तरीका मैं आपको बताऊं, उसमें हम 10 लीटर पानी लेते हैं। 10 लीटर पानी में 10 ग्राम कार्बेंडाजिम या पहले किसान भाई बेवेस्टिन के नाम से जानते हैं इसको, वो घोलते हैं। उसके बाद हम 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वो दवाई होती है जो 6 ग्राम की एक हरे रंग की पुड़िया आती है, ठीक है। तो 10 लीटर पानी के लिए वो 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 10 ग्राम कार्बेंडाजिम या बेवेस्टिन हम 10 लीटर पानी में घोलते हैं। उसमें 10 से 12 किलो 8 किलो जितना भी बीज उसमें भिगो सकते हैं उसको, उस घोल में 10-12 किलोग्राम बीज को उस 10 लीटर पानी के घोल में भिगोते हैं। उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई जो दोनों दवाई घोल लेते हैं, 10 लीटर पानी का घोल भी बना लेते हैं, लेकिन उनके खेत में बाद में कई बार जो कार्बेंडाजिम जो दवाई होती है यह मुख्य रूप से एक बकानी बीमारी जो आती है, जब हम धान की रुपाई करते हैं, प्योद उखाड़ के खेत में रुपाई करते हैं, उसके 25 से 30 दिन के आसपास हमें कुछ पौधे अपने खेत में ऐसे नज़र आते हैं जो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हाइट ग्रो करते हैं उनकी, और लंबा बद के और पीले पड़ के सूखने शुरू हो जाते हैं। तो उस बीमारी को हम बकानी एवं पदगलन, पूरा नाम उसका बकान, हम ज़्यादातर किसान अपने क्षेत्र में बकानी के नाम से जानते हैं, उसका नाम होता बकानी एवं पदगलन। तो वो बकानी एवं पदगलन बीमारी वही होती है जो किसान अपने खेत में कुछ नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हाइट के पौधे देखते हैं और वो लंबे पड़ के पीले पड़ के थोड़े दिन बाद सूख जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जिन किसानों ने अभी जो पौध बीज का छिड़काव कर दिया है नर्सरियों में, वो बकानी बीमारी से कैसे बचाव करें? उसके लिए बीज का उपचार जो नहीं कर पाए किसी कारणवश, और जिन्होंने अपनी पनीर या नर्सरी तैयार कर दी है या अपना बीज खेत में छिड़क दिया है, उनके लिए एक तरीका एक और ये है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 1 से 2 ग्राम बेवेस्टिन पाउडर छिड़क दें खेत में पानी देने के बाद या पानी देने से पहले, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है बीज उपचार की कमी जो है वो दूर हो जाती है, मतलब कि जो बकानी बीमारी जो आती है उससे निजात मिल सकती है किसान को। अगर किसान फिर भी अगर इससे भी दूसरे स्टेप से भी चूक जाए तो लास्ट में जब हम पौध उखाड़ के खेत में रुपाई की तैयारी करते हैं, उस समय किसान को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब हम पौध उखाड़ते हैं क्यारी से, तब उससे पहले हमने उस खेत में उस क्यारी में पानी देना चाहिए ताकि पौध आराम से उखड़ जाए। पौध उखाड़ते समय उसकी जड़ें कम से कम टूटें, कम से कम जड़ों में घाव हो। इससे यह फ़ायदा होता है कि जो हमारे खेत में जो मिट्टी में जो भूमि जनित जो स्पोर्स जो होते हैं फंगस के, बकानी के फंगस के, वो उस जो घायल जड़ें होती हैं या जो जिन जड़ों में घाव होते हैं उसके अंदर घाव के द्वारा जल्दी से एंट्री कर जाते हैं, तो एंट्री ना कर पाए उससे भी हमारे पौधे जो है रुपाई के बाद स्वस्थ रहेंगे। और जब पौधे क्यारी से उखाड़ के जो जूटियां बनाते हैं हम, तब उन जूटियों को 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, 1 से 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी में घोल के, इस हिसाब से घोल बना के
उसमें एक एक दो दो मिनट तक एक बार सारी जुटियों की जड़ों को उसमें भिगो के फिर अगर उसको हम रुपाई करें या ट्रांसप्लांट करें तो उसमें भी बड़ा लाभ मिलता है बकानी से बचाव में। तो साहब ये बताइए कि जो नर्सरी में है बीज छिड़काव किस तरह करें और कितने अंतराल पर पानी दें। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ सुमित भाई, ज़्यादातर किसान भाई हमारे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम की एक पुड़िया ले आते हैं और वो पानी में घोल के और उसको 24 घंटे भिगो देते हैं। उसके बाद जब एक महीने बाद बकानी बीमारी आती है तब आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जी मैंने तो बीज उपचार भी किया था फिर भी ये बकानी की बीमारी मेरे खेत में आई हुई है। एक्चुअली वो ज़्यादातर किसान भाई इसमें यही गलती कर रहे हैं कि बकानी बीमारी के लिए कार्बेंडाजिम या बेवस्टिन जो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलने की बात कह रहा हूँ, वो दवाई कार्बेंडाजिम जो है वो बकानी बीमारी को रोकती है और जो 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो 6 ग्राम की पुड़िया में आती है वो बैक्टीरियल ब्लाइट को रोकती है। हमारे 2-3 साल में एक बार बैक्टीरियल ब्लाइट के कुछ कुछ लक्षण नज़र आते हैं किसानों के खेतों में, उससे भी बचाव होता है, वो उससे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से होता है। ज़्यादातर किसान भाई कोई भी एक दवाई यूज़ करते हैं, या तो कार्बेंडाजिम डाल दी। अच्छा दूसरा एक और असावधानी जो हमारे किसान भाई आजकल बरत रहे हैं पिछले 3-4 साल से देखने में आता है कि है किसी भी खाद बीज दवाई विक्रेता की दुकान पे जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बीज उपचार की दवाई दे दो। तो ज़्यादातर जो हमने नोट किया है कि अकेली कार्बेंडाजिम 50% देने की बजाय ज़्यादातर विक्रेता कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजैब उस दवाई का पाउच दे देते हैं, उसमें ना वो ना ही तो वो रिकमेंडेड है ना इसमें पूरी मात्रा जो है कार्बेंडाजिम की घोल में मिल सकती है। इसकी बजाय किसान भाई ये सावधानी ज़रूर बरते हैं कि एक तो अकेली कार्बेंडाजिम 50% पाउडर के रूप में आती है, एक तो वो कार्बेंडाजिम 50% लें और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लें अलग से, और दोनों दवाइयों का घोल बनाएं 10 लीटर पानी में। अगर किसी किसान भाई के पास अगर 50 किलो बीज भिगोना है तो 50 लीटर पानी में, जैसे कि 50 लीटर पानी में 50 ग्राम कार्बेंडाजिम होगी और 5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होगी, उन तीनों को घोल मिला के उसमें आप 50-60 जितना भी किलोग्राम बीज आप भिगो सकते हैं उसको भिगोएं। और दूसरी सावधानी यह बरतनी है कि 24 घंटे पूरे भिगोना है। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, कोई 20 घंटे में निकाल लेता है, कोई 21 घंटे में, कोई 17 घंटे के बाद निकाल लेता है। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने यही सलाह दी है कि कम से कम 24 घंटे कंप्लीट भिगोना जरूरी है बकानी डिसीज से बचाव के लिए। तो नर्सरी में जो छिड़काव है वो किस तरह करें और पानी का अंतराल जरूरी? नर्सरी में छिड़काव सबसे पहले तो किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार नर्सरी की लंबाई चौड़ाई खुद डिसाइड कर लें, जो जितने आप कोई भी एप्लीकेशंस कोई भी ऑपरेशंस जो आराम से कर पाएँ उतना ही साइज नर्सरी का होना चाहिए। नर्सरी जब हम लगाते हैं तो नर्सरी के बीच में जो डोलियां हैं वो इतनी मजबूत और इतनी चौड़ाई होनी चाहिए उनकी कि उनके ऊपर से आप आराम से बीच में से आ जा सकें। और जो पानी की बात है, यह मैं किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगा कि पानी हमेशा रात शाम के समय दें, क्योंकि जब हम सुबह पानी देते हैं तो थोड़ी सी परत पानी की नर्सरी में खड़ी रह जाती है और जब दोपहर को धूप होती है तब वह पानी गर्म हो जाता है और गर्म होके पौध सूखती भी है, पौध पीली भी पड़ जाती है, उसकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। जो पौध हमारी 25 से 30 दिन में तैयार होनी चाहिए वो 1.5-1.5 महीने तक तैयार होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि कितने दिन की पौध को रुपाई के लिए मतलब अच्छा माना जाता है? सुमित भाई पौध की जो 11-21 हैं या कोई और बासमती की हैं उसमें सबसे जो उचित समय पौध की रुपाई का है वो पौध जब हम नर्सरी में बीज डालते हैं उसके 25 से 30 दिन तक की जो पौध हम खेत में रुपाई के रूप में यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि जो 25-30 दिन की पौध जब हम खेत में रुपाई करते हैं ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें फुटाव बजाय के जो 40-45 दिन की पौध जो किसान भाई यूज़ करते हैं उसकी बजाय जो 1 महीने की पौध जो ट्रांसप्लांट करते हैं रुपाई करते हैं उसमें फुटाव ज़्यादा देखा गया है। दूसरी सावधानी रुपाई के समय यह बरतनी चाहिए कि ज़्यादातर हम खुद लगाते हैं या हम लेबर से लगवाते हैं जो बिहार से यूपी से आते हैं, अगर वो मान जाएं किसी किसान के कहने से 100-200 रुपये ऊपर दे के तो कोशिश करनी चाहिए कि एक बार में 2 या 3 पौधे एक जगह लगवाएं आप, और वो
दूसरा उसका गहराई का ध्यान रखें। जब हम प्योद की रुपाई करते हैं वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई ना लगाएं। जो पौधा जितना गहरा गड़ाया गया होगा रुपाई करते समय उसमें उतनी ही फुटाव कम होता है। तो किसान भाई इसका भी विशेष ध्यान रखें कि गहराई जो हम जड़ गड़ाते हैं रुपाई करते समय वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ना हो, और एक एक जगह पर हिल बोलते हैं उसको, एक हिल में 2 या 3 पौधे लगा दे तो उससे भी पैदावार आपकी निश्चित रूप से बढ़ती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटी छोटी सावधानियों बरत कर किसान अपना उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं, तो किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि जिस तरह से आप अपने उत्पादन को बढ़ावा देंगे, फिर हल्की सी छोटी छोटी सावधानियों के द्वारा आप उत्पादन को काफ़ी बड़े स्तर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।